पहले बताइए आप लोग कैसे हैं। बहुत अच्छी ना। बस ऐसी। अच्छा, मैं जैसे कि आपको मेरे नाम चैनल के नाम से पता चलता है, रिचा के घरेलू टिप्स। इसका मतलब हम इसमें घर से रिलेटेड, आपके हाउस से रिलेटेड हर चीज कवर करेंगे। इसमें आपको कुकिंग भी मिलेगी, इसमें आपको ब्यूटी टिप्स भी मिलेंगी, इसमें हाउस होल्ड जितनी चीजें हैं सब तरह की वेरायटी डालने की मैं इसमें कोशिश करूंगी। और आप लोगों को अगर किसी स्पेशल तरह का वीडियो चाहिए किसी टॉपिक से रिलेटेड, आप मुझे बता सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपकी उन सब समस्याओं को भी दूर कर पाऊं। और आज का मेरा टॉपिक बिल्कुल अलग है। आजकल मेरा टॉपिक है हमारे जो घर के बुजुर्ग होते हैं, जिनको इस ठंड में, इस बार ठंड भी कितनी पड़ी है, इस ठंड में उनको जोड़ों की समस्या रहती है। कभी भी घुटनों में दर्द होता है, कभी भी जॉइंट्स पेन होता है। हम लोग महंगी महंगी पी वगैरह खरीदते हैं लेकिन नहीं रिलैक्स मिलता है। आज मैं आपको अपनी दादी का एक छोटा सा नुस्खा बताऊंगी जिसके सारे इंग्रेडिएंट्स आपको अपने किचन में मिल जाएंगे। बहुत आसानी से बनने वाला है, मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे इसको बनाने में, लेकिन ये काफी इफेक्टिव है। और मैं चाहूंगी कि आप, अगर आपको इस समस्या से का सामना करना पड़ रहा है या आपके घर के किसी अन्य सदस्य हो, तो इसको एक बार ट्राई जरूर कीजिए। बहुत इफेक्टिव है, मैंने खुद ट्राई किया हुआ है, क्योंकि मुझे भी मेरी लाइफ बहुत भागदौड़ वाली होने के कारण थोड़ा बहुत तो दर्द पेन वगैरह रहता है। अब आपके चाहे घुटनों में दर्द हो, चाहे यहाँ पे जॉइंट पेन हो, या कंधे वगैरह में, काफी आजकल शोल्डर में शोल्डर पेन भी हो रहा है लोगों को। तो अब ये आप देखिए, मैंने ये लिया है, ये सरसों आधी कटोरी सरसों का तेल है। ये बिल्कुल प्योर तेल है, मतलब ये गांव में ही हमने एक परिचित के थ्रू, मैंने वहां पे हम लोगों ने सरसों यानी कि लाह खरीदा और अपने सामने इसको पिरवाया है, तो ये 100% प्योर है। ये मैंने आधी चम्मच अजवाइन है और ये आधी चम्मच मेथी है। ये मेरे पास 6-7 कलियां मैंने लहसुन की ली है। इसमें मैं आपको बता रही हूँ कि इनको पूरा आपको साबित नहीं डालना है, क्योंकि जो ये छिलके होते हैं ये आके फटते हैं तो चेहरे पे लगने की संभावना होती है। इसलिए इसको इस तरीके से आप अगर थोड़ा थोड़ा इसको बीच बीच में से काट लीजिए, या तो छीलिए, छीलने में टाइम वेस्ट करने की क्या जरूरत है जब हमें जलाना ही है। इस तरह ने दो टुकड़ों में आप कर लीजिए। ये मैंने छोटी सी एक जो छौंक लगाने वाली वो होती है, ये मेरे पास एक पुरानी उल्ट पड़ी हुई थी, तो उसको मैंने इस पे गैस पे रख दे रख दिया है। और अब इसमें मैं ऑयल डाल दे रही हूँ। सारा ऑयल आप डाल दीजिए इसमें। और क्या, ये जो अजवाइन और मेथी है इसको भी आप बारीक बारीक से इसमें डाल दीजिए। मेथी और अजवाइन बहुत गर्म होती है और इसमें तो ये दर्द को छीनने निकालने की क्षमता भी बहुत ज्यादा होती है। ये देखिए, ये ऑयल गर्म हो गया है। अब इसमें मैंने ये लहसुन की आधी आधी वो कर ली है, 4-5 कलियों को, इसको भी मैं इसमें डाल दूंगी और इसे गर्म होने देंगे। ये खूब अच्छी तरीके से गर्म हो जाएगा, मतलब ब्लैक भी पड़ जाएगा। अब देखिए, अगर आप हम साबित डालते ना तो ये हमारे चेहरे पे आके गिरता। इसलिए आप देख रहे हैं, ये लहसुन ने रंग बदलना शुरू किया, अजवाइन वगैरह सब ने रंग बदल लिया है। अब हम इस गैस को बंद कर देंगे क्योंकि ऑयल हमारा बहुत ज्यादा गर्म है, और इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही हम लोग इसे छोड़ देंगे क्योंकि गर्म है, टच करना सही नहीं रहेगा। हम इसको ठंडा होने के लिए इंतजार करेंगे, तब तक हम घर के दूसरे काम निपटाएंगे, है ना। अब ये देखिए धीरे धीरे ब्लैक होता जा रहा है, इसको हमें बिल्कुल ब्लैक कर लेना। आप देख रहे हैं ये अब बिल्कुल ठंडा हो चुका है, मैं इसको आराम से अब छू भी सकती हूँ। और मैंने ये इसमें देख ली, वही इसमें तेल ऑयल लिया था मैंने, अब इसके ऊपर ये मैं चल नहीं रखूंगी। और ये जो मेरा है मटेरियल, ये इसमें धीरे धीरे, आप इसको ज्यादा कम बना के रख सकते हैं, पर ये मैंने फॉर एग्जाम्पल आपको थोड़ा सा दिखाया है, एक आप छोटी शीशी में। आप देख रहे हैं ये सारा ऑयल बाहर आ गया है, इसको आप चाहे तो चम्मच से थोड़ा सा इसको प्रेस भी कर सकते हैं जिससे कि हो जाए। सारा छान दीजिए और इसको किसी छोटी शीशी में आप भर के रख दीजिए। ये ऑयल बहुत इफेक्टिव है, इसको आप रात को सोते समय घुटनों पे लगाएंगे, आपके घर के बुजुर्ग को या आपको कोई भी तरह का पेन है उसे वास्तव में बहुत रिलीफ मिलेगा। और अगर आपने, आपको जब अच्छा लगता है ये, तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपको इस वाले ऑयल से कितना फ़ायदा हुआ है।
और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ सपोर्ट मी, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तक और मुझे बताइए आपको किस तरह का वीडियो आप चाहते हैं, किस तरह की नॉलेज है, तो मैं आपको जरूर वह वीडियो बनाऊंगी आपके लिए। ओके, बाय बाय।